नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्य गोपीनाथ दास तमसोमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के मुद्दे पे आते हैं। क्या गीता भागवत पढ़ने से क्रोध काबू में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन भगवान ये भी नहीं कहते कि उपदेश की एक गोली खाओ, एक ग्लास में पानी पियो और हो गया क्रोध काबू में। ना ना ना, इतनी जल्दी नहीं। क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्रोध कहाँ से जन्म लेता है ये जानना आवश्यक है। क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। वास्तव में अर्जुन को रणभूमि में क्रोध नहीं आ रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश सुनाकर युद्ध करने हेतु प्रेरित कर दिया। और रामायण में हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने क्रोध से पूरी लंका जलाकर राम जी की सेवा की थी। ये क्या फंडा है भाई? अब जरा ध्यान से सुनिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब मिलकर छह यानी षड रिपु माने जाते हैं। रिपु मतलब एनिमी, शत्रु। ऐसे कहा गया है कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी गणे। अपने वासना और अपने डिजायर्स को भगवान की सेवा में समर्पित कर दो और अपना क्रोध ईश्वर द्वेषी जनों के अगेंस्ट में यूज करो। हनुमान जी को रावण ने बहुत गालियां दी। तू तो मरकट है, मैं तेरे जैसे को तो कच्चा चबा कर खा जाऊंगा, तू तो जंगली है और क्या ना क्या कहा। हनुमान चुपचाप सहन करके सुन रहे थे, लेकिन जब रावण ने हनुमान जी के स्वामी श्री रामचंद्र भगवान को गाली देना शुरू कर दिया तो उन्होंने बिल्कुल सहन नहीं किया। फिर जब रावण ने उनकी पूंछ को आग लगा दिया तो उसी पूंछ से रावण की समस्त लंका नगरी को जला दी। हनुमान जी का देह क्यों नहीं जला, ये सबसे टॉप सीक्रेट बात है। बैकग्राउंड में सीता मैया प्रार्थना कर रही थी कि हे अग्निदेव, मेरे प्रिय हनुमान को आपकी ज्वाला से बचा के रखना। इसलिए अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए। हनुमान जी ने पर्सनल इंसल्ट्स को टॉलरेट किया, इसका मतलब उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया था। इसलिए वी शुड ऑल्सो बी विलिंग टू टॉलरेट पर्सनल इंसल्ट्स, बट अगर अपने गुरु भगवान वैष्णव पर कोई अपराध करता है तो हमें रिएक्ट करना चाहिए। इसमें कैच है, ये क्रोध आपको हानि ना पहुंचाए इसलिए कृपा का शेल्टर होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के क्रोध को श्री कृष्ण ने मर्यादा में रखा, लंका में हनुमान के क्रोध को सीता मैया ने मर्यादा में रखा। क्या आपके पास इस क्रोध को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त कृपा है? इट्स लाइक आपके डे टू डे लाइफ में कोई भी घटना आपको प्रोवोक करती है, डिस्टर्ब करती है, रिटेलिएट करने से पहले जरूर सोचिए। यू आर नॉट लाइक हनुमान, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई सीता देवी। अगर कृपा का शील्ड नहीं है तो क्रोध से लंका जलाते जलाते खुद ही जल जाओगे। एक विद्वान ने सही कहा है, साधारण व्यक्ति का क्रोध का आरंभ मूर्खता से होता है और इसी क्रोध का अंत पश्चाताप से होता है। इसलिए जरूरत लगने पर क्रोध कीजिए, लेकिन कृपा के संरक्षण में। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।